ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, रुक करेंगे खबरों का। बीजेपी दिल्ली के प्रदेश प्रवक्ता हरीश खुराना से खास बातचीत की पंजाब से ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह ने। इस दौरान हरीश खुराना ने आप पर गंभीर आरोप लगाए। हर खबर देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे जैसे चुनाव 2022 पंजाब के गति पकड़ रहे हैं, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी गति पकड़ता जा रहा है। आज एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को आड़े हाथ लिया है और अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारे साथ है हरीश खुराना, जो कि प्रवक्ता है दिल्ली से और खास पंजाब पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी आरोप लगाने के। खुराना साहब बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। खुराना साहब, सबसे पहला सवाल, क्या कारण हो गया कि आज शराब संबंधी आज आप एक तरह से चिट्ठा लेकर के पंजाब पहुंचे हैं? क्या पंजाब के लोगों के लिए क्या कहना? देखिए, दिल्ली में इन्होंने वादा किया था कि, और पंजाब में वादा किया था कि हम पंजाब को नशा मुक्त और चिट्ठा मुक्त करेंगे, पहला वादा थी। दूसरा वादा थी कि भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। ये दो वादे पंजाब की जनता को उन्होंने किए। हम आज पंजाब की जनता को ये बताने हैं कि दिल्ली में इन्होंने क्या किया। दिल्ली में 249 ठेके हुआ करते थे, आज 849 ठेके खोल दिए। हर गली मोहल्ले में तीन तीन ठेके, हर वार्ड में तीन तीन ठेके खोल दिए। तो ये इनकी सच्चाई है, पंजाब के वादा और दिल्ली की सच्चाई। एक दूसरा, ये कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। मैंने कंप्लेन करी कि आप जो इन्होंने टेंडर में इन्होंने कहा था कि हम कार्टल नहीं करने देंगे, हम ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ठेका नहीं देंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ठेका नहीं देंगे, ये तीनों टेंडर इन्होंने उल्लंघन किया। जब मैंने कंप्लेन करी, भारतीय जनता पार्टी का कोई डिपार्टमेंट नहीं है, ये दिल्ली सरकार का अपना एक्साइज डिपार्टमेंट है, जिन्होंने शोकॉस नोटिस इशू किया उन तीन कंपनियों को जिन्होंने टेंडर फ्लाउट किए। कंपनियां तीन कौन? एक है इंडो स्प्लिट बेवरेजेस, जिसको दो जोन मिले हैं, एक है खाओ गली रेस्टोरेंट, जिसको दो जोन मिले हैं, एक एनरिच करके की कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अब रिटेल में आ गई, जो टेंडर का खुला उल्लंघन है। ये तीन कंपनियों को जो रिटेल दो दो जोन मिले हैं और हर एक जोन लगभग 250 करोड़ रुपए का है। राणा साहब, एक जो मैं कहना चाह रहा हूं, इन कंपनियों को शोकॉस नोटिस हुआ 25/10 को, आज हो गई फरवरी। अरविंद केजरीवाल साहब बताएं कि जो इस डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट देखते हैं मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जो अगुआ हैं वहां के, ये बताएं क्या एक्शन लिया, क्योंकि वहां सीधा सीधा नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन हुआ, और उस पैसे का लेन देन जो है वो कहीं ना कहीं पंजाब से भी जुड़ा हुआ है। मैं ये पूछना चाह रहा था, ये तीन कंपनियों में कहीं ना कहीं तार पंजाब से भी जुड़े हुए हैं। एग्जैक्टली, तभी मैं कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं पंजाब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिनको एलोकेटमेंट हुए, पंजाब से तार जुड़े हुए हैं, और इसका कहीं ना कहीं जो पंजाब का पैसा, जो दिल्ली का पैसा है, यहाँ से जो कमाया हुआ पैसा है, वो पंजाब के इलेक्शनों में लग रहा है, और कहीं ना कहीं इसका मतलब जवाबदेही आज की डेट में जो पंजाब के कैंडिडेट हैं मुख्यमंत्री के, जिसको हम पैगवन मान कहा करते हैं दिल्ली के अंदर, हम पैगवन मान इसलिए, आप देख चुके हैं कि उनका हालत क्या है, वो बताएं कि क्या ये रिश्ता क्या कहलाता है, दिल्ली के शराब माफिया और पंजाब के अंदर जो आप वादा कर रहे हैं और जो दिल्ली के अंदर शराब की नदियां बह रही हैं, वो कहां क्या लिंक कहता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये पैगवन मान को बताना। कहीं ना कहीं इस शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए ड्राई डे जो 22-23 हुआ करते थे, उसे उसमें कमी की गई। आप कहते हो हम बहुत धर्मों को बहुत मानते हैं, उनको हम बहुत करते हैं, गुरुपुरब वाले दिन, रामनवमी वाले दिन, होली, दिवाली, दिल्ली में ड्राई डे हुआ करते थे, शराब मुक्त दिन होते थे वो। लेकिन इस शख्स ने 22 जनवरी को ऑर्डर निकाला कि सिर्फ तीन ड्राई डे होंगे, एक रिपब्लिक डे 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, बाकी ड्राई डे खत्म कर दिए। यानी कि गुरुपूर्व गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के ऊपर, गुरुपूर्व के ऊपर, गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के ऊपर, होली के ऊपर, रामनवमी के ऊपर, दिवाली के ऊपर, सब ड्राई डे खत्म कर दिए। ये व्यक्ति जो दिल्ली के अंदर कहता है और पंजाब में आके कहता है कि मैं धर्म को बहुत मानता हूं, उसका हालत सच्चाई ये है, ये हम पंजाब की जनता को बताने आए हैं। मेरा आखिरी सवाल है, अरविंद केजरीवाल रेत माफिया को खत्म करने की बात पंजाब के लोगों से कर रहे हैं और उनका कहना है कि 20,000 करोड़ रुपए जनरेट हो सकते हैं और मैं महिलाओं को 1,000 रुपया मासिक दूंगा, ये वो अपनी स्ट्रेटजी। पहले दिल्ली में तो बताया कितने लोगों को दे दिया, दिल्ली में तो बता दें। आज दिल्ली का युवा पूछ रहा है कि आपने पंजाब और गोवा बाकी जगह में तो कह दिया कि हम उत्तराखंड में उन्होंने वादा किया हम रोजगार भत्ता देंगे, पंजाब की महिलाओं को वादा कर दिया कि हम 1,000 रुपये महीना देंगे। आज दिल्ली की महिला कह रही है हमें छलावा महसूस कर रही है कि दिल्ली वालों को क्यों नहीं दे रहे, अब कह रहे हैं वो भी देंगे। 7 साल से आप सत्ता के अंदर हो, आप कहते हो हमने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया, तो आपने पंजाब दिल्ली में क्यों नहीं दिया। तो इसके कथनी और करनी में अरविंद केजरीवाल के बहुत फर्क है। आज हम पंजाब की जनता को आपके चैनल के माध्यम से बताने आए हैं कि दिल्ली में सच्चाई ये है कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के बजाय भ्रष्टाचार में ये लोग लिप्त हैं। तो पंजाब, कम से कम दिल्ली वाले इनकी बातों में आ गए हैं,
पंजाब वाले ना। आप पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी के सपुत्र हैं, शीला दीक्षित से संबंधित मेरा आखिरी सवाल कर चुका, माफी चाहूंगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों को बहुत बड़ी बड़ी फाइलें दिखाया करते थे। मैं इसलिए जोड़ रहा हूं कि मुख्यमंत्री होते हुए बार बार केंद्र सरकार के ऊपर उन्हीं आड़े हाथों लेना, तो कितना आप इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया? 2013 के अंदर यही गठजोड़ काम हुआ था, दिल्ली के अंदर सत्ता के अंदर आया था। हमें तो यही लग रहा है कि अगर दोनों का गठबंधन, दोनों का नहीं हुआ, मतलब दोनों का दो सीटों की कमती बढ़ती हो गई, तो कहीं ये गठबंधन दोबारा पंजाब के अंदर ना आ जाए। मुझे पूरा पूरा शक है कि अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वहां पे कि हम बच्चों की कसम खाते हैं, मैं कांग्रेस से समर्थन ना लूंगा ना दूंगा, दिल पंजाब के अंदर जो समर्थन लेंगे भी और देंगे भी, ये पंजाब में क्लियर कर दे वो। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हरीश खुराना, और देखिए गंभीर आरोप जो है खुराना साहब ने इस समय अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर लगाए हैं, और कहीं ना कहीं शराब माफिया को बढ़ोतरी जो है, उनका कहना है कि शराब माफिया को जानबूझकर एक तरह से समर्थन जो है आम आदमी पार्टी कर रही है, और यही कारण है कि ड्राई डे में भी कमी की गई है। बहरहाल अब इससे संबंधित प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी की क्या आती है शाम होते होते, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहें हर खबर। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं स्वरण, चंडीगढ़ से।